वेरिया, तुमने कभी ये फील किया अंजला के साथ, अंजला जब छोटी थी और तुम लोग, तुम और शमून अलग हो गए, तुम्हें कभी इस तरह की चीज से गुजरना पड़ा क्या? अच्छा देखें, आपा की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट थी, हाँ, मेरी बिल्कुल अलग इसलिए हुई क्योंकि एक मैं और शमून कभी अंजला के सामने लड़े नहीं, आज तक कभी भी नहीं। उसने बाप को बाप ही देखा और माँ को माँ ही देखा। उसकी नजर में कभी अगर आज आप यहाँ लड़ने लगे ना तो वो सहम जाएगी क्योंकि शी हैज नेवर सीन इट एवर इन हर लाइफ। मैंने उसको वो फेज ही नहीं दिखाया। सो पता है बाबा बाबा है, मम्मा मम्मा है, किसी को भी कॉल करो इट्स द सेम। फिर पिछली बहुत सारी जगहों पे जैसे मैंने देखा, मेरी मामा की जब डिवोर्स हुई तो मैं बहुत छोटी थी, एक साल की थी मैं। तो जब मैं ग्रो होना शुरू हुई तो मुझे ना कभी भी मेरे बाप के लिए किसी ने पॉजिटिवली नहीं बताया। हमेशा बोला तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ ये किया, तुम्हारे बाप ने माँ के साथ ये किया, ये किया। तो मैंने हमेशा अपने बाप का एक नेगेटिव हेवला बना लिया और मैं उसी को देखती रही। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट। और मैं अभी भी जो मदर्स हैं जिनके साथ ही हो रहा है उनको कहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने शौहरों की बुराइयां बातें बच्चों के सामने मत करें, उनको खुद जज करने ना करें, उनको खुद जज करने दें कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। ना बाप करें ना माँ, आपका राइट ही नहीं है। पता ये आप अपने दीन के खिलाफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल आप किसी की बुराई कर रहे हैं किसी के सामने बैठ के जो उसका खून है, और उस बेचारे मासूम बच्चे को पता भी नहीं आप क्या नहीं, बोल और रहे। बच्चे का तो और दिल दुखेगा, और दिल दुखेगा क्योंकि मतलब इधर से माँ खींच रही है, उधर से बाप खींच रहा है। वो वाली चीज में मैंने भी बच्चों से, हालांकि बड़े थे, मैंने यही कहा कि तुम्हारी मर्जी है, मिलना चाहो मिलो, बात करना चाहो करो, जो चाहो, मैं बीच में तुम्हें रोकूंगी नहीं क्योंकि वो तुम्हारे बाप है। और अपने बच्चों के सामने ना लड़ना बंद करें, बिल्कुल उनको हरेस करना बंद करें।